स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। नेपाल के किस शहर को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? ए विराटनगर, बी पोखरा, सी भरतपुर, डी बीरगंज। आंसर बी पोखरा। एक्सप्लेनेशन, अपने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नेपाल सरकार ने गंडकी प्रांत के एक शहर पोखरा को आधिकारिक तौर पर हिमालयी राष्ट्र की पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया है। ये घोषणा 17 मार्च को फेवा झील के तट पर बाराही घाट पर आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के उपस्थिति में की गई। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक पर्यटन के लिए जाना जाने वाला पोखरा लंबे समय से नेपाल में एक पर्यटन केंद्र के रूप में पहचाना जाता रहा है। अगला प्रश्न, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए बेंगलुरु, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी मुंबई। आंसर सी नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, 18 से 20 मार्च 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ ने प्रमुख निवेशकों, नवप्रवर्तकों और महत्वाकांक्षी उद्यमियों की महत्वपूर्ण भागीदारी को आकर्षित किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि भारत 1.25 लाख स्टार्टअप्स के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 12 लाख युवा शामिल हैं। अगला प्रश्न, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? ए फिनलैंड, बी आइसलैंड, सी जर्मनी, डी डेनमार्क। आंसर ए फिनलैंड। एक्सप्लेनेशन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार यूरोपीय देश फिनलैंड दुनिया का सबसे अधिक खुशहाल देश है। फिनलैंड लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत पिछले साल की तरह ही 126वें स्थान पर बरकरार है। वहीं भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान रैंक में 108वें स्थान पर और श्रीलंका 128वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका 23वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, हाल ही में याउंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, यह निम्न में से किससे संबंधित है? ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी समुद्रीय सुरक्षा, सी साइबर सुरक्षा, डी मलेरिया रोग। आंसर मलेरिया रोग। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में याउंडे डिक्लेरेशन मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके तहत 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया। इस डिक्लेरेशन का उद्देश्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कर्मियों की क्षमता का विस्तार करना और कार्यक्रम कार्यान्वयन को बढ़ाना है। याउंडे अफ्रीकी देश कैमरून की राजधानी है। अगला प्रश्न, माजुली मास जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ए असम, बी बिहार, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। आंसर ए असम। एक्सप्लेनेशन, भारत सरकार ने हाल ही में असम के माजुली मास को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया है। माजुली राज्य में सदियों से कला, संस्कृति और परंपरा का एक अनूठा भंडार रहा है। इन मुखौटों का उपयोग अक्सर दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है। GI टैग एक स्पेशल टैग है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से उत्पन्न होने वाले उत्पादों की पहचान करने के लिए किया जाता है।